हैदराबाद में आपने दम बिरयानी तो बहुत खाई होगी, क्या कभी आपने कुकर वाली चिकन बिरयानी खाई है? नहीं खाई तो आज मैं आपको लेकर आया हैदराबाद के ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पे छोटे छोटे कुकरों में चिकन बिरयानी को बहुत ही यूनिक स्टाइल से बनाया जाता है। इनकी कुकर बिरयानी खाने के लिए यहाँ पे लाइनें लग जाती है, तो चलिए चलते हैं इनके कुकर बिरयानी की मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। भैया नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम शेख इजाज है। कुकर में बिरयानी लगाने का छोटे कुकर में 2-3 दिन काम करते करते आइडिया एक आ गया, इसमें करते करते चिकन आ गया, मटन आ गया, वेज आ गया, ऐसा करते करते आइटम आ गया। ये आप वेज लगाएंगे पहले राइस डाल रहे हैं, तो एक एक कुकर में सभी में यहाँ पे राइस डाले जा रहे हैं। हाँ, ये राइस बोले तो 220 ग्राम राइस है और इसमें पानी जो है अपना मेजरमेंट से हम लोग पानी लेते हैं। भैया जैसा कि हैदराबाद में बिरयानी के नाम से फेमस है, हाँ, तो आपने क्या सोचा कि दम बिरयानी की जगह कुकर की बिरयानी लगाने का? इंडियन में तो 10 साल हो गए काम करने में, उसी के लिए नया कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे बोल के आइडिया निकाले। ये बट धनिया पाउडर आ गया, धनिया का ये है, पुदीना है, धनिया आ गया और ये आ गया पुदीना। उसके बाद जो है अपना थोड़ा घी यूज करते, ये है देसी घी रहता है, ये देसी घी है, ये प्योर है, ये 1 चम्मच का हम लोग यूज करते है। ये मसाला का क्वांटिटी है, ये मसाला पूरा भेज है अपना सीक्रेट है, प्याज ऑनियन का ये रहता डालने के बाद यहाँ पे मसाला डाल रहा है। और ये हम लोग का भेज का है, कैरेट है, बीनीस है, अच्छा, और थोड़ा आलू है यूज करते, थोड़ा पनीर। तो ज्यादा लोग वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं? नॉन वेज तो ज्यादातर पसंद रहता है। अब इसका हो गया, तो देख सकते हो यहाँ पे वेज बिरयानी के लिए यहाँ पे मटेरियल डाल दिया गया है। हाँ, ये अपना जो है कोई कुकर जो है मिक्स नहीं हुए बोल के वेज का हम लोग कैसा निशान देते है। नेक्स्ट आपका काजू है, नेक्स्ट काजू डालने आ रहा है। हाँ, 2 पीस का काजू है, इतना आता है। ये कौन सी बिरयानी है? काजू पुलाव। काजू पुलाव, हाँ, तो आपने वेज बिरयानी तो देख ली, यहाँ पे बनाया जा रहा है काजू पुलाव। अब आपका काजू हो गया, तो भाई जो काजू लवर है उनके लिए स्पेशल इन्होंने पुलाव रेडी किया है, काजू लगा दिया गया यहाँ पे। हाँ, और एक आपका जो वेज में पनीर, पनीर बिरयानी। हाँ, ये पनीर पुलाव। तो पनीर की आप क्वांटिटी देख सकते हो कितनी ज्यादा यहाँ पे डाली जा रही है। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे पनीर बिरयानी लग के यहाँ पे रेडी हो चुकी है, अभी तो गैस पे रखा जाएगा। नेक्स्ट कौन सी लगने जा रही है? नेक्स्ट आपका चिकन लगा रहे हैं, चिकन बिरयानी। हाँ, बाकी जगह आपने बिरयानी खाई होगी आपको 1 से 2 पीस मिलेंगे, बट यहाँ पे 7 से 8 आपको पीस मिल रहे हैं, साथ में मिलेगा एक। तो सभी छोटे छोटे कुकर में यहाँ पे चिकन को डाला जा रहा है और सभी में एक एक अंडा डाल दिया गया है। चलिए अब हो गया इसका, अब इसका जो है हम ये लगाएंगे। तो अभी देख सकते हो हमारी बिरयानी को यहाँ पे पैक कर दिया जाएगा। हम लोग चिकन में कोई सा निशान नहीं लगाते हैं, क्यों? हम अपना चिकन ही ज्यादातर जाता है इधर, बिना निशान का जो होता है वो चिकन रहता है, बिना निशान का चिकन रहता है। ऑलरेडी अभी 5 ऑर्डर है, नेक्स्ट जो है मटन लगाएंगे। मटन बिरयानी मिलती है यहाँ पे? हाँ, मटन भी मिलती है। तो चिकन बिरयानी में लग चुकी है, नेक्स्ट यहाँ पे मटन बिरयानी लगाई जाएगी। ये थोड़ा हाफ बॉईल करके रखे, नल्ली भी रहती है। हाँ, मटन बिरयानी आपको नल्ली भी मिल जाएगी, एक अंडे आते हैं। मटन का बिरयानी में हम लोग निशान लगाते हैं पेपर का, पेपर लगाए तो क्या मिक्स नहीं होता है। तो भैया बिरयानी जो बन गई इनके प्राइसेस क्या रहते हैं? वेज का प्राइस है जाएगा 270 है, आपका पनीर का भी जो सेम है 270 है, खाली काजू का जो है 280 है, और चिकन का अपना 300 है, मटन का 370 रुपीज है, उसमें जो है 8 पीसेस मटन आता है। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं 6 बिजल जो हाई फ्लेम में जो है अभी हाई फ्लेम में है, फिर उसके बाद थोड़ा कुक हो गया तो लो फ्लेम करते हैं हम लोग 6 बिजल में। तो भैया कितना टाइम लगता है इसको बनने में? ये लगभग 10 से 15 मिनट। ये इनकी काजू वाली बिरयानी, तो इसमें काजू लगा हुआ है, ये इनकी वेज बिरयानी, हाँ, वेजिटेबल लगी हुई है, ये इनकी चिकन बिरयानी जी लगा, मटन है, पनीर बिरयानी, पनीर लगा चुके। 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कुकर में सीटी आना स्टार्ट हो चुकी है। 15 मिनट में आपको मिल जाएगा पूरा चिकन। और मटन में कितना टाइम लगता है? मटन में सेम टाइम रहता है, 15 मिनट में हो जाती है, 15 मिनट में सेम हो जाता है आपका रो राइस है इधर, सेम टाइम में आपका जो है चिकन मटन वेज सब हो जाता है। जैसा आप देख सकते हो ये अपना जो है चिकन है, मटन आपका जो है, मटन बिरयानी लग गया है, हाँ, रेडी हो चुके हैं, एक अंडे है, ये अपना घुंघरा चटनी है, घुंघरा चटनी। नेक्स्ट आपका जो है ये रायता है, लास्ट आइटम ये मिर्ची का सालन है। हाँ, तो फाइनली हैदराबाद की यहाँ पे छोटे छोटे कुकर वाली हमारी यहाँ पे बिरयानी लग चुकी है। मैंने लगवाई यहाँ पे चिकन वाली बिरयानी, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी की बिरयानी मिल जाएगी, आपको यहाँ पे काजू बिरयानी मिल जाएगी, वेज बिरयानी मिल जाएगी, मटन बिरयानी मिल जाएगी, पनीर बिरयानी मिल जाएगी, बहुत सारी वैरायटीज़ है। तो देख सकते हो राइस बहुत अच्छी क्वालिटी की उसकी है, साथ में आपको इसमें 5 से 6 पीस चिकन के मिल जाएंगे, एग मिल जाएगा आपको, साथ में नींबू मिल जाएगा, प्याज मिल जाएगा, मिर्ची का सालन मिल जाएगा, साथ में आपको मिल जाएगी इनकी स्पेशल घुंघरा चटनी। तो चलिए आज इनकी बिरयानी को टेस्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसमें सालन डालेंगे, हल्की सी घुंघरा चटनी डालेंगे, और ये आ गया भाई रायता, और ये आ गया बिरयानी में थोड़ा सा नींबू। तो चलिए चलते हैं अब इनकी बिरयानी टेस्ट कर लेते हैं।
तो इनकी जो है कुकर वाली बिरयानी काफी टेस्टी बनी है। वैसे तो इसमें दम बिरयानी का टेस्ट नहीं आ रहा, बट जो उन्होंने इसमें बिरयानी मसाला डाला है उससे बिरयानी का टेस्ट तो आ रहा है, बट ये दम बिरयानी से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अगर आपको दम बिरयानी पसंद है आप दम बिरयानी खा सकते हो, अगर आपको कुकर वाली खानी है तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको कुकर वाली बिरयानी मिल जाएगी, आप इसको टेस्ट कर सकते हो। इस बिरयानी में आपको 6 से 7 पीस चिकन के मिल जाएंगे, अंडा मिल जाएगा, सालन मिल जाएगा, काफी सारी चीजें रहती है। सुबह का जाएगा 12:30 बजे स्टार्ट है, 12:30 बजे से रात का 11:40 तक। हाँ 11:40 लास्ट ऑर्डर। हफ्ते में कितने देर लगाते हैं यहाँ पे? हफ्ते में पूरा एवरीडे एवरीडे रहता है। आपको मटन मिल जाएगा, चिकन मिलेगा, वेज मिलेगा, काजू मिलेगा, पनीर मिलेगा। और एड्रेस बता दीजिए कहाँ पे हैदराबाद में? चेंटूर प्रगति नगर खारम डोसा अपोजिट पेट्रोल पंप है, पॉट फ्लॉप खारम डोसा। अगर आप भी हैदराबाद में रहते हो, विजिट कर रहे हो और बढ़िया से यूनिक बिरयानी खाना चाहते हो तो करम डोसा पे आके इनकी कुकर वाली बिरयानी टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं इनकी कुकर वाली बिरयानी को जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।